अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं ला रही हूँ आपके लिए रमज़ान की दूसरी रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो ये है चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटिस और मैंने ये हड्डी वाली बोरियाँ ली हैं, तकरीबन चार हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे बोनलेस भी ले सकते हैं। तो तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। इसमें काली मिर्च और नमक जो है वो जाएगा बस। हाँ जी, तो ये देखें, ये मैंने काली मिर्च ली है, किसी भी काली मिर्च, ये जाएगी चिकन के अंदर। और साथ हम लेंगे नमक, ये मैंने हाफ टेबलस्पून लिया बस। अब हम इसको 30 मिनट के लिए करेंगे बॉयल। तो 30 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो बॉयल हो चुका है। अब इसको ठंडा करके हम इसे करेंगे चॉप। ये देखिए, अब ये है बॉक्स पैटिस के इंग्रेडिएंट्स। चिकन को मैंने पहले ही चॉप कर लिया हुआ था और इसमें ऐड होगी बन गोभी। छोटा सा मैंने बन गोभी का फूल लिया था, मैंने इसको इस तरह से काट दिया। और ये चाइनीज़ गाजर, इसको भी हमने ब्रिक ब्रिक सा चॉप कर दिया। अब हमने, और साथ में इसमें ऐड होगा सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में काली मिर्च। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से हमने बनाना है। हाँ जी, तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच घी का ऐड किया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी सबसे पहले चाइनीज़ गाजर। जैसे ये चाइनीज़ गाजर जो है कि टाइम लगती है ज़रा नरम होने में, तो हम इसको 15 मिनट तक जो है ना, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे मीडियम आंच में। तो ये देखें, 15 मिनट हो गए हैं और ये हल्की सी नरम हो गई है। इसको ज़्यादा भी नरम जो है वो नहीं करना। अब इसमें हम शामिल करते हैं बन गोभी और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको ना भूनेंगे। ये देखें, अब बन गोभी भी हल्की सी नरम हो गई है। अब इसमें जाएगा चॉप किया हुआ चिकन। और साथ में अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा जो नमक है वो इतना अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद अब इसमें जाएगी काली मिर्च। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ना काली मिर्च पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। अब 2-3 मिनट ज़रा इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिली सॉस। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, बट थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ही कर रही हूँ तो टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। इसमें जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस भी मैं 1.5 टेबलस्पून लूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल लेती हूँ तो मैं 1.5 टेबलस्पून जो है वो ऐड करूँगी। अब इससे 5 मिनट तक हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया। देखें कितनी खिली खिली सी ये सब्जियां जो हैं वो लग रही हैं, और ऐसे ही आपका होना चाहिए। हाँ जी, तो मैंने इसकी भुनाई कर ली है 2-3 घंटे के लिए। अब ये मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दी है, फिर हम इसकी बनाएंगे बॉक्स पैटिस। हाँ जी, तो मटेरियल हो गया है ठंडा बॉक्स पैटिस का। अब हम इसी करेंगे फिलिंग, और कैसे करेंगे आइए आपको दिखाते हैं। ये साइज की हमने पट्टी ली और साइडों पे हमने मैदे को अच्छी तरह से लगाना है। इसका एक बॉक्स बनाना है, ये देखिए। और साइडों से आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि बॉक्स आपका ओपन ना हो, टूटे भी ना। और ये देखिए बॉक्स बन गया। अब इसमें हम मिक्सचर को ऐड करेंगे। क्वांटिटी आपने कितनी रखनी है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इतनी मत रखिएगा कि ये टूटे। ये देखिए आपके सामने, मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। मटेरियल इतना रखें कि आपका बॉक्स पैटिस फ्राई होते टाइम टूटे ना। और अच्छी तरह से हमने मैदे को लगाया
और ये इसका एक बन गया है बहुत ही प्यारा सा बॉक्स। ये आपकी जो है आपके बॉक्स पैटिस की ये शक्ल आनी चाहिए। और ये फ्रोज़न आइटम आप थोड़ी देर इसको बाहर रखें और एक बॉक्स में डालकर आपने इसको करना है फ्रीज। और जब आपका दिल करे आप डिब्बे को खोलें और फ्राई करें और इंजॉय करें। हाँ जी, तो चिकन वेज बॉक्स पैटिस अब बिल्कुल हो गई हैं रेडी। आप भी बनाएं, इंजॉय करें, खाएं और मुझे प्लीज़ आप लाजमी आप फीडबैक दें और अपना बहुत ख्याल रखें। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।